One second. Yes. One second. This gentleman is for it. Please listen. One second. I have a citizen of this country. 1 second. Yes. Don't shout at me. इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा, इन दिनों इसके खूब चर्चे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही है। चुनावी बॉन्ड के जरिए किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा मिला, आज आपको इस वीडियो में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सभी तथ्यों के बारे में जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अंजू गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरों का अड्डा। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 8 साल से ज्यादा वक्त से चल रहा है और इस पर सभी की निगाहें इसलिए भी टिकी हैं क्योंकि इस मामले का नतीजा साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर बड़ा असर डाल सकता है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मांग की जा रही है कि राजनीतिक पार्टियों को जो ये भारी भरकम चंदा दिया जा रहा है वो कौन दे रहा है, किस कंपनी से इतने सारे रुपए दिए जा रहे हैं, इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। आम जनता को पता होना चाहिए कि किस पार्टी को कितना धन चंदे के रूप में मिल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। ये एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद से किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया था। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी कर सकता है। इन्हें ऐसा कोई भी दाता खरीद सकता है जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता है जिसकी KYC की जानकारी उपलब्ध है। इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम भी नहीं होता है। योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं से 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 10,00,000 रुपये और 1,00,000,000 रुपये में से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। चुनावी बॉन्ड्स की अवधि केवल 15 दिनों की होती है। इसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीदने के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। इन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों के अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जा सकता है। इसको लेकर चिंताएं क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दरअसल भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश में राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था को साफ कर देगा, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये सवाल बार बार उठा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाली की पहचान गुप्त रखी गई है, इसलिए इससे काले धन की आमद को बढ़ावा मिल सकता है। एक आलोचना ये भी है कि योजना बड़े कॉरपोरेट घरानों को उनकी पहचान बताए बिना पैसा दान करने में मदद करने के लिए बनाई गई थी। इस योजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई। पहली याचिका साल 2017 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और गैर लाभकारी संगठन कॉमन कॉज द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी और दूसरी याचिका साल 2018 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया कि इस योजना की वजह से भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक दान और राजनीतिक दलों की गुमनाम फंडिंग के फ्लडगेट्स या बाढ़ के द्वार खुल जाते हैं जिससे बड़े पैमाने पर चुनावी भ्रष्टाचार को वैध बना दिया जाता है। चलिए अब बताते हैं कि किसको इस चुनावी बॉन्ड का सबसे ज़्यादा चंदा या कहले की फायदा मिला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी चंदे से जुड़ी जानकारी केंद्रीय चुनाव आयोग को सौंप दी।
चुनाव आयोग ने चंदा देने वाले और चंदा लेने वालों की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी। इसमें लगातार नई नई जानकारियां सामने आ रही है। इधर चुनाव निगरानी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016, 17 और 21-22 के बीच 5 वर्षों में कुल 7 राष्ट्रीय दलों और 24 क्षेत्रीय दलों को चुनावी बॉन्ड से कुल 9,188 करोड़ रुपए मिले। इस 9,188 करोड़ रुपए में से अकेले भारतीय जनता पार्टी की हिस्सेदारी लगभग 5,272 करोड़ रुपए थी, यानी कुल इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए गए चंदे का करीब 58% बीजेपी को मिला। इस अवधि में कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड से करीब 952 करोड़ रुपए मिले, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 767 करोड़ रुपए मिले। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 21-22 के बीच राष्ट्रीय पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिलने वाले चंदे में 743% की बढ़ोतरी हुई। वहीं दूसरी तरफ इस अवधि में राष्ट्रीय पार्टियों को मिलने वाला कॉरपोरेट चंदा केवल 48% बढ़ा। एडीआर ने अपने विश्लेषण में पाया कि इन 5 सालों में 2019-20 जो लोकसभा चुनाव का वर्ष था, उसमें सबसे ज्यादा 3,439 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आया। इसी तरह साल 21 और 22 में बताएं तो जिसमें 11 विधानसभा चुनाव हुए, राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करीब 2,664 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इधर सुप्रीम कोर्ट ने SBI पर एक बार फिर सख्ती दिखाते हुए तीखी टिप्पणी की है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले की सुनवाई कर रही बेंच के अध्यक्ष CJI DY चंद्रचूड़ ने SBI से कहा कि कोई भी जानकारी छिपाई नहीं जा सकती, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर एक जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने SBI को बॉन्ड के यूनिक नंबर बताने के लिए सोमवार तक का ही समय दिया था। कोर्ट ने पूछा था कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची दी गई तो आखिर इसमें यूनिक नंबर क्यों नहीं बताया गया। सुनवाई के दौरान CJI ने SBI से कहा कि आखिर अब तक पूरी जानकारी क्यों नहीं दी गई। इस पर SBI की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। स्टेट बैंक सेड वी हैड मिसअंडरस्टूड द पर्पस ऑफ द ऑर्डर, सो द कोर्ट सेड ऑलराइट, दे पास्ड एन ऑर्डर सेइंग दैट दे मस्ट डिस्क्लोज इट फोर्थविथ। चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक इज टू फाइल एन एफिडेविट बाय थर्सडे 21st evening 5 PM saying that he has disclosed all the details including the alphanumeric numbers and that would have to be uploaded by the election commission forthwith immediately. So today the Supreme Court heard its notice to the state bank asking them why they had not disclosed the alphanumeric details on each bond, alphanumeric number on each bond of the purchaser as well as of the party which redeemed those bonds. But before the court could hear the state bank, there were 3 applications filed by the 3 industry organizations, FICCI, CII and ASSOCHAM, in which a prayer has been made that the bond numbers should not be disclosed so that the donor details don't come out. However, the Chief Justice told the lawyer for these organizations that their application was not on record, they would not be heard, and moreover, everybody was put on notice in the interim order of April 2019 that if the court finally allows these petitions about challenge to the electoral bond scheme, then all details may have to be disclosed. And therefore the court then heard the state bank. State bank said we had misunderstood, Mr. Salvi appeared for the state bank, he said we had misunderstood the purport of the order, we thought that the order was only to give those other details about the amount of the bond and the name of the party who encashed it, but not the alphanumeric details. Of course, we have all this data of the alphanumeric numbers of the bonds and we can disclose it. So the court said, all right, they passed an order saying that they must disclose it forthwith. And the chairman of the state bank is to file an affidavit by Thursday 21st evening 5 PM saying that he has disclosed all the details including the alphanumeric numbers. And that would have to be uploaded by the election commission forthwith, immediately. इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चुनाव आयोग और RBI की क्या राय है?
बात करें साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर एक हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को खत्म कर देंगे और इनका इस्तेमाल भारतीय राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी कॉरपोरेट शक्तियों को आमंत्रण देने जैसा होगा। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि कई प्रमुख कानूनों में किए गए संशोधनों की वजह से ऐसी शेल कंपनियों के खुले जाने की संभावना बढ़ जाएगी जिन्हें सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के इकलौते मकसद से बनाया जाएगा। एडीआर की याचिका के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने बार बार चेतावनी दी थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल काले धन के प्रसार, मनी लॉन्ड्रिंग और सीमा पर जालसाजी को बढ़ाने के लिए हो सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को एक अपारदर्शी वित्तीय उपकरण कहते हुए आरबीआई ने कहा था कि चूंकि ये बॉन्ड मुद्रा की तरह कई बार हाथ बदलते हैं इसलिए उनकी गुमनामी का फायदा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है। इस पूरे मामले पर सरकार का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। सरकार के मुताबिक ये योजना पारदर्शी है और इसके जरिए काले धन की अदला बदली नहीं होती है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कई मौकों पर बताया कि धन प्राप्त करने का तरीका बिल्कुल पारदर्शी है और इसके जरिए किसी भी काले या बेहिसाब धन का हासिल करना संभव नहीं है। ये कहते हुए कि ये योजना स्वच्छ धन के योगदान और टैक्स दायित्वों के पालन को बढ़ावा देती है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमई ने कहा कि इस मसले को सार्वजनिक और संसदीय बहस के दायरे में छोड़ दिया जाना चाहिए। अब सवाल आपके लिए कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए? क्या आम लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि आखिर कौन और कितना धन किस पार्टी को दान किया जा रहा है? One second. I have a citizen of this country. One second. Yes. Don't shout at me.